हे गाइस, दिस इज केबी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी किसी भी एयर राइफल की बैरल सील को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो गाइस, बैरल सील को बेसिकली तीन नाम से जाना जाता है, एक बैरल सील, दूसरा ब्रीज सील और तीसरा जो है ओरिंग, ज़्यादातर लोग ओरिंग ही कहते हैं। तो गाइस, इसके लिए हमको करना होगा राइफल को ब्रेक। गाइस, यहाँ पे जो आप ये वाला हिस्सा देख रहे हैं इसको बोलते हैं ब्रीज, और ये जो सील लगी हुई इसी को ब्रीज सील ही कहते हैं, बैरल वाशर कहते हैं, ओरिंग कहते हैं, सारा का सारा यही है। तो गाइस, ये हो गई है प्लेन, इस वजह से इसको चेंज करना पड़ता है। इसको चेंज करने के लिए गाइस, ये जो हमारे पास नोकीला, किसी भी नोकीली चीज़ से आप इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि ख़राब हो गई है, आप नोकीली चीज़ से निकालें या जैसे भी निकालें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो गाइस देखिए, कुछ इस तरह से निकाल लिया है मैंने, ये देखिए गाइस, कुछ इस तरह से पूरी की पूरी ये प्लेन हो गई है, इसलिए हम इसको चेंज कर रहे हैं। और हमारे पास है वो, मैं आपको पहले दिखाता हूँ, ये हमारे पास जो है ओरिंग्स नहीं रखी हुई है, इसमें से मैं एक निकाल लेता हूँ और उसको हम जो है चेंज करेंगे। तो गाइस, ओरिंग चेंज करने के लिए हमको क्या करना होगा, इसमें पहले ऑयल लगाना होगा ताकि अच्छे से ये फिट आ जाए। ऑयल यहाँ लगाने के बाद थोड़ा यहाँ पे भी लगा देता हूँ। और गाइस, यही सही तरीका है आपका ब्रीज सील बैठाने का, आप ऑयल नहीं लगाएंगे तो ये अच्छे से बैठेगा नहीं। ये सामने वाला हिस्सा जो उभरा हुआ हिस्सा है आप देख सकते हैं यहाँ पे, सॉरी मेरा कैमरा फोकस नहीं कर रहा, ये जो उभरा हुआ हिस्सा ऊपर का हिस्सा, एक साइड प्लेन है, प्लेन वाला नीचे जाएगा, ये उभरा हुआ हिस्सा ऊपर रहेगा। और इसको गाइस, इसके अंदर हमको लगाना है ऐसे। तो गाइस, इसको सब साइड से थोड़ा थोड़ा आपको दबाना है ताकि अंदर बैठ जाए कुछ इस तरह से। मैं थोड़ा क्लोजअप आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरह से बैठा है इसके अंदर। तो गाइस देखिए, कुछ इस तरह से बैठ गया है, हमारी जो सील थी वो बिल्कुल क्लीन हो गई थी, ये अभी उभरी हुई है। तो गाइस, इसी तरह से जो है आप अपनी किसी भी एयर राइफल की बैरल वाशर को जो है चेंज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और आर्मर की या किसी भी राइफल की आपको बैरल वाशर चाहिए या ओरिंग जो आप कहते हैं वो चाहिए, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है।